गाइस मेरी बताई हुई ये पांच चीज अगर आपको आ गई ना तो अब मैं सच बता रहा हूँ, आप माइनक्राफ्ट के जो ना लेजेंड बन जाओगे, लेजेंड। अरे भाई समझा करो यार भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सो विदाउट एनी बकवास लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और हम बढ़ते हैं हमारी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप का नाम है पार्कोर। पार्कोर सिर्फ एक उछलने कूदने वाला गेम होता है जो कि यार भाई आपको पीवीपी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं आपको उसकी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। अगर आपको एक ब्लॉक तक जंप करना है ना, तो अगर एक बार आगे वाले बटन पर क्लिक कर जंप करोगे तो आप इजीली जंप कर लोगे, और दो बार क्लिक किया आगे वाले बटन पर तो आप नीचे गिर जाओगे। तो आपको आगे वाले बटन पर सिर्फ एक ही बार क्लिक कर जंप करना है, तभी आपकी एक ब्लॉक की जंप होगी। दूसरे वाले ब्लॉक में भाई आपको दो बार क्लिक करना है, ठीक है? लेकिन यार भाई एक बार पीछे वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, वरना यार भाई आप दो बार क्लिक नहीं करोगे तब भी गिरोगे, और भाई अगर आप दो बार क्लिक करोगे पीछे वाले बटन पर नहीं क्लिक करोगे तब भी आप नीचे गिर जाओगे। और भाई अगर आपको तीन ब्लॉक की जंप लेनी है ना, तो आपको यार भाई थोड़ा सा बैठकर थोड़ा सा पीछे जाना है, ठीक है? और भाई उसको डबल क्लिक कर जंप करना है। भाई इस तरीके से अगर आप जंप करोगे तो आप इजीली थर्ड ब्लॉक की जंप भी कर सकते हो। और गाइस अगर आपको नहीं आता तो यार भाई आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप इस तरीके से भी सीख सकते हो ब्लॉक लगा कर बीच में। पर यार भाई अब मैं आपको मेरा पार्कोर दिखाता हूँ, ठीक है? मेरे को इस पार्कोर को सीखने में सिर्फ 3 दिन लगे, और अभी गाइस मैं काफ़ी अच्छे से पार्कोर कर लेता हूँ। गाइस आप भी इसी तरीके से अच्छे से पार्कोर कर पाओगे अगर आप मेरी टिप्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करोगे। तो यार भाई अभी आप मेरा थोड़ा बहुत पार्कोर स्किल देख सकते हो। सिर्फ आपको गाइस इस पार्कोर को सीखने में 2 से 3 दिन लगेंगे, और भाई आप इजीली इस पार्कोर को सीख जाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप की तरफ। तो हमारी दूसरी टिप का नाम है MLG। MLG यार गाइस खासकर यार फॉल डैमेज से बचाती है, और गाइस MLG से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ MLG के बारे में। MLG पार्कोर से भी ज़्यादा इजी होती है। बस गाइस अगर आपको इस MLG को मोबाइल में करना है तो स्प्लिट कंट्रोल यानी कि प्लस वाला आइकन को आप लेकर आ जाओ, और यार गाइस आपको जिससे MLG करनी है ना उस चीज़ पर यार भाई आपको बार बार क्लिक करते रहना है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस मैंने वाटर की भी कर ली, क्योंकि गाइस मैं उस पर क्लिक करते ही रहा, और उसके बाद गाइस मैंने स्नो की भी कर ली, गाइस अभी आप देख सकते हो। और गाइस अभी मैं स्लाइम की भी कर दिखा देता हूँ। अगर स्लाइम ब्लॉक की भी यार भाई बहुत ज़्यादा ईजी होती है, और गाइस अभी यार भाई देख सकते हो यार भाई स्लाइम की भी यार भाई मैंने कर ली है, और एक और स्नो बकेट की मैं कर दिखाता हूँ। देखो गाइस मैंने इसकी भी कर ली है। अब मैं आपको एक हेबेल की कर दिखाता हूँ, तो मैंने हेबेल की भी कर ली है। गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है। गाइस देखो आपको सबसे पहले यार भाई प्रैक्टिस करना है, और गाइस स्प्लिट कंट्रोल ऑन करने के बाद यार भाई आपको सिर्फ क्लिक करते ही रहना है। जिस भी जगह पर आप कूदोगे उस जगह पर ऐसे नीचे कर क्लिक करते ही रहना है। तो यार भाई इसमें कोई भी ऐसा बेसिक नॉलेज नहीं है, बस गाइस आपकी प्रैक्टिस है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टिप की तरफ। तो जो हमारे थर्ड टिप है गाइस, वो है सिर्फ और सिर्फ PvP के लिए। गाइस मान लो आपका फ्रेंड आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो गाइस अगर आप zigzag में भागोगे ना, zigzag में, तो यार भाई बंदा आप पर एम ही नहीं कर पाएगा, और वो एम नहीं कर पाएगा तो आपको मार नहीं पाएगा। और गाइस मान लो कि यार भाई ये मेरा दोस्त है, तो गाइस अगर मैं इसको शूट करूँगा ना, तो भाई जंप अगर शूट करूँगा ना, तो इसको डबल डैमेज होगा, और डबल डैमेज होगा तो यार भाई इसके ऊपर एक एनिमेशन शो होगा, और एनिमेशन शो होगा तो ये जल्दी से मर जाएगा। देख सकते हो गाइस भाई जंप मारोगे तो एनिमेशन शो होगा, और गाइस बहुत जल्दी वो मर जाएगा। अभी यार गाइस आप देख सकते हो गाइस मैंने 3 हॉर्स को कितनी जल्दी मार दिया है, और भाई ये भी कितनी जल्दी मर गया है। तो PvP में बस यही है गाइस, आपको जंप कर मारना है। ये भी यार गाइस आप बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे, और भाई इस ट्रिक से यार भाई आपका जो दोस्त है ना वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी मर जाएगा, और मॉब्स भी मर जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ टिप की तरफ। तो हमारी फोर्थ टिप है गाइस, वो है ब्रिजिंग। देखो गाइस ब्रिजिंग बहुत ज़्यादा काम आते हैं गाइस, अगर आपके नीचे लावा आ जाए फिर कुछ भी हो जाए, तो ब्रिजिंग बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मान लो कि आपको कहीं ब्रिज कर जाना है, तो यार भाई आप इस तरीके से ब्रिजिंग करते हुए जा सकते हो। स्प्लिट कंट्रोल को ऑफ ही रखना है गाइस इसमें, और यार भाई देख सकते हो यार भाई मैं कितनी गाइस सही तरीके से ब्रिजिंग कर पा रहा हूँ। गाइस मैं नीचे जमीन से टच भी नहीं हो रहा हूँ। और एक और ब्रिजिंग है गाइस, आपको गाइस स्प्लिट कंट्रोल को ऑन करके गाइस बैठ जाना है, और भाई आप इस तरीके से ब्रिजिंग कर सकते हो। और पीछे अगर आपका दोस्त आए तो पूरे एरिया को ब्लॉक कर दो, और वापस से गाइस इसी ब्रिजिंग में आप लग जाओ। तो यार गाइस ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रिजिंग है। और गाइस जो एक और ब्रिजिंग है ना गाइस, वो है कि आपको गाइस नीचे टच नहीं करना है। ये गाइस पुरानी वाली ब्रिजिंग की तरह ही है, लेकिन गाइस स्प्लिट कंट्रोल को ऑन कर दोनों में आप सीख जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। यार गाइस अभी आप देख सकते हो यार गाइस मैं जमीन से टच भी नहीं हो रहा हूँ। मान लो कि जमीन जो है पूरी लावा की है, तो देख सकते हो यार भाई मैं इजीली बच जाऊंगा गाइस। यार भाई यही है यार गाइस हमारी फोर्थ टिप। गाइस ब्रिजिंग करना उतना टफ भी नहीं है, आप सीख जाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ टिप की तरफ।
हमारी फिफ्थ टिप का नाम है मूवमेंट स्पीड। गाइस अगर आपकी मूवमेंट स्पीड अच्छी हुई और सामने वाले बंदे के पास टूल्स भी है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी यार गाइस आप उसको इजीली मार दोगे अगर आपकी मूवमेंट स्पीड अच्छी हुई तो। गाइस सवाल ये आता है कि आपकी मूवमेंट स्पीड अच्छी होगी कैसे। तो गाइस शुरू में मैंने गाइस आपको जो चार टिप्स बताई है ना, आपको इन चार के चारों टिप्स को गाइस अच्छे से फॉलो करना है और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे कर कर यार गाइस आप माइनक्राफ्ट में लेजेंड बन जाओगे और आपकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो यस गाइस आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम हम रखते हैं सिर्फ 5 लाइक्स का, ठीक है। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।